स्टडीज अगेन वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का मैथ्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सब करवा रही हूँ और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को टॉपिक वाइज लूँगी। तो आज मैं फ्रैक्शन और टू डिजिट नंबर पर बेस्ड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ले रही हूँ। देखिए वन बाई वन। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब समझ जाते हैं इसे। सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन को लेट करेंगे। फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई, देन फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई। अब आगे समझो किस तरह से इक्वेशन फॉर्म की गई है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमारा फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई। ठीक, क्या कहा, एड 1 टू द न्यूमरेटर, अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर, राइट। 1 टू द न्यूमरेटर, एड 1 टू द न्यूमरेटर, राइट, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मींस फ्रैक्शन बिकम्स 1, सो इट इज इक्वल टू 1, राइट। अभी देखते हैं सेकंड इक्वेशन, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 कब, व्हेन, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड हो जाए। आप आराम से थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करते जाओ। ठीक है, अब ये 1 था, अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर देते। देखिए ध्यान से, ठीक, फ्रैक्शन हमने लिया था x अपॉन y और तो ये आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, राइट। तो क्या x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1, अपॉन को 1 अपॉन 1 लिखा, x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल इक्वेशंस बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x इक्वल टू y प्लस 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई x प्लस 2, y यहाँ से निकला 2x इक्वल टू y प्लस 1। अब आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मेरे को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा इजी लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशियंट 1 हो तो सब्स्टिट्यूशन भी इजी होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ फर्स्ट सेकंड में पुट करी, y के प्लेस पर x प्लस 2 पुट करा, सॉल्व किया, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ y। हो गया कंप्लीट, नहीं छोड़ देंगे, नहीं, क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज फ्रैक्शन, अभी तो हमने x y की वैल्यू निकाली है, फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y दैट इज 3/5। कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में बस x और y निकाला, छोड़ दिया, तो वही आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसके पार्ट के अलग मार्क्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 3.5 में फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, देखेंगे ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y, न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y। तो बार बार बता रही हूँ, फर्स्ट इज अपर इज न्यूमरेटर एंड बिलो इज डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहा, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, दिस फ्रैक्शन बिकम 1/3 कब हो रहा है, 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड
इट बिकम्स 1/4। ये हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन दी है कि ये 1/4 हो जाता है जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक। उसी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर 8 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में, इफ 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 1/4, इट इज इक्वल टू 1/5। फाइंड द फ्रैक्शन उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यही इक्वेशन थी हमारी, x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3 एंड x अपॉन y प्लस 8 इक्वल टू 1/4, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इक्वल टू y प्लस 8, बहुत सिंपल, y की वैल्यू पुट कर दी सेकेंड में, ठीक है। y की वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 3, सॉल्व किया, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, y आ गया, अगेन फ्रैक्शन जरूर लिखना, दैट इज x अपॉन y 5/12, ओके। नेक्स्ट देखें, मेन इसमें इक्वेशन फॉर्म करना बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझो, आप इक्वेशंस तो सॉल्व कर लोगे, आई नो वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए, फिर से समझो, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन फिर वही, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ठीक। क्या कहा, इट बिकम्स 9/11 इक्वल टू 9/11, राइट। If 2 is added to both numerator and denominator, numerator में भी 2 add करना है, denominator में भी 2 add करना है। कुछ student क्या mistake करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं x upon y plus 2 equal to 9/11, गलत है, numerator में भी add करना है, denominator में भी add करना है, ठीक। पहली इक्वेशन बनी, अब क्या कहा गया, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करना है, ठीक है, इट बिकम्स 5/6। आया समझ, ठीक है। यहां लुक हियर, लेट न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ठीक है। तो वही जो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, x plus 2 upon y plus 2 equal to 9/11 and x plus 3 upon y plus 3 equal to 5/6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इतना आपको सॉल्व करना आता है, ठीक। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। यहाँ पर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, एलिमिनेशन करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, जो आपको इजी लगता हो आप उस मेथड से करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, याद है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने एलिमिनेशन से करा है, तो फर्स्ट को पहले 5 से, मैं y को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो फर्स्ट को 5 से करा और सेकेंड को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये y के कोफिशिएंट सेम आ गए, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से सेकंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करा देन आई गेट, यस, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैसे देखेंगे कि आपको थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है या फोर्थ में से थर्ड को करना है, यहां देखो, यहां से यहाँ पर ये 55x है, ये 54x है, यहाँ पर तो ये बिगर नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह से -20 और -27 में कौन सा बड़ा है, -20, अरे सन में नेगेटिव में जो छोटा नंबर दिखाई देता है वो बड़ा होता है ना, -20 और -27 है, -20 बड़ा है ना, तो बिगर में से स्मॉलर को माइनस करो तो साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया, 55 - 54x -20 + 27 हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं, ठीक है, तो ये आ गया 7 और ये इधर प्लस होगा तो ये बढ़ गया, ठीक।
x की वैल्यू आ गई 7। जो इक्वेशन इजी लग रही हो, जिसमें आपको लगता है कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, नंबर छोटे हैं, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ईजी लग रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 7 पुट करी, तो यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई कितनी 9। ठीक, x भी आ गया, y भी आ गया, लास्ट फ्रैक्शन जरूर लिखना। सो फ्रैक्शन इज 7/9, राइट। इन क्वेश्चंस को बेटा अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये तीन क्वेश्चन तो फ्रैक्शन के थे, दो क्वेश्चन इसमें आपके एनसीईआरटी में टू डिजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो देखो एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ध्यान से समझेंगे। A sum of the digits of a two digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. First time आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, ध्यान से समझना। इसमें हम टू डिजिट नंबर है, ठीक है, तो एक वन स्प्लेस डिजिट होगी, एक टेन स्प्लेस डिजिट होगी, ठीक। तो आप एक डिजिट को x लेट कर लो और दूसरे प्लेस के डिजिट को y लेट कर लो, तो या तो आप एक पैटर्न फॉलो करो, आप ऐसा ना हो कभी आप टेंस को वन एक्स कर रहे हैं, कभी वन स्कोर एक्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक पैटर्न फॉलो करो कि मुझे टेंस को x करना है, वन को y करना है, कट तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करते हुए करोगे तो एग्जाम में जब जल्दीबाजी में क्वेश्चंस बच्चे करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आप एक रूल बना लो कि टेंस को एक्स करना है, वंस को वाई करना है, ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप्स याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप आगे समझो, यहाँ देखो, आप अगर मेरे पास टेंस डिजिट 2 हो, ठीक है, और वंस डिजिट 3 हो, ठीक, तो इससे नंबर कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ पर हमने x और इसको y लेट किया है, तो मैं नंबर कैसे बनाऊं उसका, क्या ऐसे लिखूं xy का मीनिंग क्या होता है, x इंटू वाई, इट इज x मल्टीप्लाई वाई, तो क्या x और y को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है, 2 3 10 6 हो जाएगा। मेरे को नंबर चाहिए 2 3 23 नंबर, कुछ इस तरह से लिखना है कि आपका सॉल्व होकर 23 आए। आपको याद है आप एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे प्राइमरी सेक्शन में, ठीक है, तो आप जैसे 23 है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखते थे, 2 × 10 + 3, 2 × 10 से मल्टीप्लाई, 100 + 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे लिखते थे, और इसको सॉल्व करके 23 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, वही काम हम यहाँ करेंगे कि हमें टेंस प्लेस डिजिट पता है x, वंस प्लेस डिजिट पता है y, तो नंबर क्या हो गया, 10x + y, आया समझ में, ठीक। आगे देखो, अब क्या कहा गया, इसमें जब भी टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा मोस्टली आपके पास ये जरूर आएगा कि रिवर्स ऑर्डर में नंबर बनता है, ठीक है, कि अगर नंबर में ट्वाइस, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Digit का order reverse कर दे, अब digit का order reverse कर दिया तो पहले tens place पे x था, ones place पे y था, अब क्या हो गया, यहाँ y हो गया, इधर y हो गया, इधर x हो गया, ठीक है। अब number, reverse number क्या बनेगा, reverse number क्या बनेगा, अब tens place digit फिर वही, 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 स्पेस डिजिट ऐड कर दो, समझना इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ओरिजिनल नंबर आया 10x + y और आपका रिवर्स नंबर आया 10y + x, ठीक। आगे बढ़ो, अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आप 10x + x, 1 स्पेस डिजिट y, ठीक है, नंबर 10x + y, रिवर्स नंबर 10y + x,
ये तो आपका जब भी टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा ये चार स्टेप तो आपको लिखने ही लिखने, हाफ मार्क तो आपका यही पक्का हो गया असल में। ठीक, तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए करना और उसी ऑर्डर में ही करना सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखो सम ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ समझो डिजिट्स क्या है, ये एक्स और वाई ये डिजिट्स हैं और इनसे मिलके ये नंबर बना है। तो जहाँ नंबर की बात आएगी तो वहाँ पर हम ये दोनों लेंगे, जहाँ डिजिट की बात आएगी, जहाँ पर डिजिट की बात आएगी वहाँ पर एक्स और वाई लेंगे। अब देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट मींस एक्स प्लस वाई और कितना गिवन है ये 9। ठीक, आगे देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा दिस नंबर, कौन सा ये नंबर जो आपका नंबर बना था इसका 9 टाइम्स, देखो ध्यान से 9 टाइम्स किसका 10x प्लस वाई, नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल साइन लगा दो। ठीक, ट्वाइस, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, जब रिवर्स कर दिया ऑर्डर तो जो नंबर मिला, क्या नंबर मिला 10y plus x, this is your next equation। आया समझ में, फिर से समझो, टेंथ डिजिट को x ऐड किया, फर्स्ट डिजिट को y ऐड किया, तो नंबर बनेगा टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x plus y फर्स्ट डिजिट ऐड करोगे, जब डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, ठीक है, x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x होंगे तो यहाँ भी आप ऑर्डर चेंज कर देंगे। ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इक्वेशन बनाएंगे, सम ऑफ द डिजिट इज 9 तो x plus y 9, 9 टाइम्स दिस नंबर 10x plus y इसका 9 टाइम्स, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई इज इक्वल साइन, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग का ऑर्डर, This one, 10y plus x। एक बार इक्वेशन फॉर्म हो जाए सॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से, यहां पर यस लुक हियर, सो टेंथ डिजिट x, फर्स्ट डिजिट y, सो नंबर इज 10x plus y, रिवर्स नंबर इज 10y plus x। ठीक है, और हमने क्या इक्वेशन बनाई, सम ऑफ द डिजिट x plus y 9, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8x, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, अब जब y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, यू गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई सेकंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो जैसी आपकी इच्छा, तो y की वैल्यू आ गई 8, हो गया कंप्लीट, डन। नो, क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, नंबर है क्या 10x plus y, तो आप x और y की वैल्यू पुट करें, 10x, x is 1 plus y, y is 8, आंसर is 18। ठीक है, आया समझ में, ठीक, ऐसा ही एक एग्जांपल है आपकी बुक में, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक, ध्यान से समझेंगे इसे भी, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इतना काम तो आपको पता ही है, ये स्टेप्स तो आपके वही सेम है, अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेट टेंथ प्लेस डिजिट x, वंस प्लेस डिजिट y, नंबर विल बी 10x plus y, रिवर्स नंबर विल बी 10y plus x, ये चार स्टेप तो आपको करने ही हैं एज इट इज, कोई भी क्वेश्चन आ जाए टू डिजिट नंबर। ठीक, आगे देखो द सम ऑफ, किसका सम, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर क्या है 10x plus y, इस नंबर का और किसका, कौन से नंबर का सम, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स नंबर क्या आया था हमारे पास 10y plus x, राइट, इन दोनों नंबर्स का सम
कितना गिवन है? 66। आया समझ में? ठीक, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या है? सम है 66 दोनों का। ठीक, आगे देखो। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों डिजिट का डिफरेंस दिया है 2, तो हमारे पास डिजिट्स हैं एक्स और वाई, तो हमारे पास ये भी हो सकता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और ऐसा भी तो हो सकता है वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो। हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारे पास टेंथ डिजिट बड़ी है कि वर्स डिजिट बड़ी है, हम यहाँ से कुछ कह ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। ठीक, तो हम दोनों कंडीशंस लेकर सॉल्व करेंगे। हम एक्स माइनस इस इक्वेशन को इस और सिंप्लीफाइड करेंगे अभी, और फिर उसको एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 के साथ भी सॉल्व करेंगे और वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 के साथ भी सॉल्व करेंगे। समझ में? क्योंकि यहाँ डिफरेंस दे रखा है दोनों डिजिट का, तो हमें ये नहीं पता कौन सी डिजिट ग्रेटर है। तो 10x plus y plus 10y plus x equal to 66, इसको simplify किया, 11x plus 11y equal to 66 आया, 11 से divide किया, x plus y की value आ गई 66। क्या कहा था? दोनों digits का difference 2 दिया है, तो x minus y 2 लिया और side में y minus x भी 2 लिया। क्या बताया था आपको मैंने कि आप first equation को third से भी solve करेंगे और first equation को fourth के साथ भी solve करेंगे। ठीक है? ठीक, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो। यहाँ देखो मैं अभी एक एक पार्ट करके बता रही हूँ, x प्लस वाई 6 था, यहाँ x माइनस वाई 2 था। ठीक है, दोनों को ऐड करा तो 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 फर्स्ट में पुट कर दो, y 2 आ गया, y 2 आ गया तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई, दैट इज 40। ठीक, आगे देखो, अगर डिफरेंस y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखे तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वही काम करना है, ऐड करेंगे तो आप देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी तो x की वैल्यू आ गई, नंबर आपका आ जाएगा 24। ठीक, अब यहाँ समझेंगे, इसमें कुछ आगे भी कहा था कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स बने, दोनों नंबर्स सही हैं, आप देखो दोनों में डिफरेंस 2 है, दोनों को दोनों नंबर्स के रिवर्स को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 66 आ रहा है। आप इस तरह से अपने आंसर्स भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इट मींस देयर आर टू सच नंबर्स एंड बोथ आंसर्स आर राइट, दैट इज 42 एंड 24। समझ में? ठीक, अब आप इन क्वेश्चंस को समझ के साथ साथ ना करें प्लीज, पहले इनको समझें फिर आप वीडियो पॉज करके बंद करके आप दोबारा अपने आप इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, कोई भी स्टेप में दिक्कत आती है तो फिर से देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ये मोटिवेशन का काम करता है, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आगे की वीडियोस बहुत जल्दी देख सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।